ये रिमोट से ही ओपन होगी, ठीक है। और इस चाबी से आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो गाड़ी चलाने में तो मस्त है, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और जनाब देखेंगे आज इसका पूरा व्यू दिखाएंगे और आपको ओनर से भी मिलाएंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको चाबी दिखाते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी चाबी, ओपन होगी, ठीक है। और इस चाबी से आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो जनाब ये 2023 मॉडल है और आबद साहब इसके ओनर हैं। एक बंदे ने कमेंट किया था कि आपने गाड़ी ले ली, यानी कि मैंने ले ली, मेरी नहीं है ये, भाई साहब की, आबद साहब की। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बस कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। मुबारक हो जनाब गाड़ी का। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो सुनाएं कैसा लगा आपको गाड़ी लेके? गाड़ी तो जी ज़बरदस्त है और ऑसम है, और अंदर से भी बहुत प्यारा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। आपने बहुत कम्फर्ट है इसका, बिल्कुल। आपने वो चेंजिंग भी की है इसकी, वो भी दिखाएंगे अंदर से। तो चलो जनाब आपको दिखाते हैं गाड़ी, कैमरा करता हूँ बैक और आपको गाड़ी दिखाते हैं और उसके बाद अंदर से दिखाएंगे और उसके बाद आपको इसका सिस्टम और ऊबर क्रीम और यंगो और ये वो किस किस में इस्तेमाल होती है, क्या क्या ऑप्शन है, सब कुछ आपको बताते हैं। हाँ जी, तो जनाब अभी आपको इससे इनके इंजन ऑफ भी कर सकते हैं। अभी ये ऑफ हो गई है और लॉक हो गई है, ठीक हो गया। तो जनाब अभी हम जाएंगे गाड़ी के अंदर और उसके बाद अंदर से भी दिखाएंगे, ठीक है, और उसके बाद प्राइस और यंगो ये वो बात करते हैं। हाँ जी जनाब, ये होगी गाड़ी। अभी इसको हम ट्राई करते हैं ओपन करने के लिए, ठीक है। ये रिमोट से ही ओपन होगी, आप इसमें देख सकें बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, ठीक है। और आप इसको लॉक भी कर सकते हैं रिमोट से, ठीक हो गया। ये हो गया, अभी चलते हैं अंदर और जो इसके ओनर साहब हैं उनसे भी बात करेंगे और पूरा सीन आपको दिखाते हैं। जनाब टायर देख लें आप इसके, जीएमसी, और इधर भी जीएमसी, और आप इसको यहाँ से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गाड़ी है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है, ठीक हो गया। और आपको इसका फ्रंट भी दिखा देते हैं, देखें जनाब कितना बड़ा इंजन और क्या सीन है इसका, ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। और अभी हम जाएंगे अंदर और आपको अंदर सीट्स और फ्रंट और एवरीथिंग दिखाएंगे। तो जनाब अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर का सीन देखते हैं। जनाब ये देख लें, ये हो गया डोर, वाह सुपर, क्या बात है जी। चलिए जी अभी हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। वो स्टार्ट आप मैन्युअली इधर से कर सकते हैं, वो गाड़ी हो गई स्टार्ट, देख सकते हैं पूरा सिस्टम इधर भी है और स्क्रीन में भी आप पूरा देख सकते हैं। और ये जो स्टेयरिंग है इसमें पूरा सीन क्रूज़ कंट्रोल और कॉल के लिए, वॉइस के लिए और वॉल्यूम अप डाउन के लिए, और इधर भी आप देख सकते हैं एसी का सिस्टम इधर ही है। और ये यहाँ पर आप जो है ना पूरा एप्लीकेशन यानी कि मैप और कैमरा ये वो ऑडियो वीडियो सिस्टम यहाँ पर चलेगा, एसी हो गया। गियर सिस्टम इसका पूरा इसी में है, ठीक है। अभी पार्किंग में है,
रॉस में डाल सकते हैं और न्यूट्रल और डी और लो, ये वो सब कुछ इसी में। हाँ जी, तो जनाब एसी का सिस्टम पूरा इधर है, ठीक है। आप टेम्परेचर लो और आप कर सकते हैं इधर से भी लो कर सकते हैं, और ये यहाँ से आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये जो है, ठीक है, ये पूरा आपका एक किस्म का फ्रिज है। ये इसका बटन है फ्रिज के लिए, आपको कूल करना है। अभी भी बहुत ज़्यादा कूल है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कूल है। और यहाँ पर आप चार्जिंग केबल लगा सकते हैं, ठीक है। ये फ्रिज के लिए ऑन है, ऑफ करने के लिए। यहाँ पर तकरीबन 8-10 बोतलें आ जाएंगी पानी की, या आप ड्रिंक के कैन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और ये आ गया जनाब कप होल्डर, यहाँ पर भी आप केबल लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए, ठीक हो गया। हाँ जी, तो जनाब अभी हम बात करेंगे गाड़ी की प्राइस की, कितने की आती है। तो ये गाड़ी जो आती है तकरीबन 280 की आती है, 2,80,000 दिरहम कैश की अगर लेंगे तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप बैंक से कराएंगे तो वो बैंक चार्जेस भी आ जाएंगे, वो तकरीबन 3,00,000 के आसपास हो जाएगा। प्लस अगर आप इसमें सीट कवर और टायर का कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि 18 इंच के रिम आते हैं, अगर आप 20 इंच के लगाएंगे तो 2-3,000 दिरहम वो भी एक्स्ट्रा आता है। ये तकरीबन बैंक शेंक कुछ मिला के तकरीबन 3,20,000-3,25,000 तक आ जाएगी, जो आपको टोटल देना। अगर आप कैश की लेंगे तो वो 270-280, ये आप डिपेंड है कि फुल ऑप्शन लेते हैं या नॉर्मल लेते हैं, तो वो उसमें 270-280 की तक आ जाएगी। तो अब साहब कैसा फील कर रहे हैं आप? जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, बहुत प्यारी गाड़ी है। और इंशाल्लाह आपने सीट कवर भी लगाए जी, तो सीट कवर आपने मेरे हमेशा जैसे लगाए होंगे? जी 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 जी, ज़बरदस्त। ये इसके ओरिजिनल सीट कवर नहीं है, ऊपर नए इन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो गाड़ी की प्राइस हो गई जनाब, अभी हम बात करते हैं जो काम की है गाड़ी में, काम कैसा करेंगे, ऊबर के साथ ठीक है, क्रीम के साथ ठीक है, यंगो के साथ ठीक है, आप बताएं इसके बारे में, क्योंकि गाड़ी आपने ली है जी। इसका तो जो बेहतरीन ऑप्शन जो है हमारे पास दो हैं, एक तो यंगो है। अच्छा, और यंगो के साथ जो है ब्लैक लाइन है, वो ज़बरदस्त हैं। अगर इसके अलावा अगर ब्लैक लाइन पे और यंगो पे काम ना भी हो तो ऊबर क्रीम पे भी चल जाती है, लेकिन बेहतर जो है वो यंगो और ब्लैक लाइन है। और अगर आपके पास मतलब कुछ होटल्स है, कुछ अच्छे कस्टमर्स है अपने, तो वो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आपके पास अपने कस्टमर हैं, यानी कि आप होटल के साथ काम करते हैं, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। और प्लस यंगो और ब्लैक लाइन, उसके बाद ऊबर और क्रीम आता है, क्योंकि वो उसके साथ काम थोड़ा भाग दौड़ के करना पड़ता है और इसका पेट्रोल का ख़र्चा ज़्यादा है, इसलिए होटल्स में होंगे या फिर यंगो भी बहुत अच्छी प्राइस देती है इसको, और ब्लैक लाइन भी इसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब्स और बहुत अच्छी, यानी कि रेट उसका जो जॉब्स के रेट हैं बहुत अच्छे रेट्स हैं। और ऊबर के साथ कभी छोटा ट्रिप होता है, कभी बड़ा होता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी हो जाता है। और गाड़ी ये छोटे ट्रिपों के लिए नहीं है, बल्कि अच्छे कस्टमर और लॉन्ग ट्रिप्स और यानी कि फैमिली टाइप के लिए है। हाँ जी, तो जनाब अभी आप इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 7,000 है, जो गाड़ी की है, ठीक है। 7,000 इंस्टॉलमेंट होगी बैंक की, प्लस जो है ना वो कंपनी की फ़ीस और ये वो कुछ मिला के तकरीबन 3,000 एक्स्ट्रा होता है एक ड्राइवर के साथ, और 3,200-3,400 ऊपर होता है दो ड्राइवर के साथ, ठीक हो गया। तो यानी कि 7-10-11,000 हो गया तकरीबन, सालक दार के 11-12,000 तक आ जाएगा टोटल मंथली इसका एक्सपेंस विदाउट पेट्रोल, ठीक हो गया। अच्छा, तो जनाब अगर आप इसको ऊबर के साथ चलाएंगे तो ऊबर आपको ऊबर ब्लैक और ऊबर एक्सेल देगा, जो कि दोनों अच्छे हैं और उनका अच्छा रेट है। क्रीम के साथ लगाएं, क्रीम भी मैक्स का जॉब देती है, और यंगो और जो ऊबर ब्लैक लाइन है वो भी उसको एक्सेल और वीआईपी किस्म के जो कस्टमर होते हैं उनके लिए गाड़ी है, ठीक हो गया। और ये है कि जो अगर आप यहाँ इस फील्ड में पुराने हैं तो फिर इसमें आ सकते हैं, अगर आप नए हैं तो आप बेशक स्टार्टिंग जो है ना लेक्सी से या दूसरी गाड़ी से कर सकते हैं। अगर आपने कस्टमर बना लिए, आपका पूरा मामला सीन पता हो गया, तो उसके बाद आप ये गाड़ी लें तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ जी, तो जनाब बहुत सारे बंदों ने पूछा है कि टेस्ला के बारे में, कि टेस्ला की अपडेट नहीं दी है, तो जल्द अज्द इंशाल्लाह वो भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि क्या उसकी अर्निंग है, क्या सीन है, कितने की ली थी, आपसे वादा किया था बनाने का, लेकिन अभी तक वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, इंशाल्लाह जल्द अज्द उसका बनाऊँगा।
और आबद साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी तो अभी लिए तो इंशाल्लाह एक हफ़्ते दो हफ़्ते बाद तो हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस है अर्निंग के बारे में और प्रॉफिट के बारे में, एक्सपेंस के बारे में, पेट्रोल के बारे में, तो हर चीज़ के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, अभी इस वक्त क्या है कि हम इस गाड़ी में नए हैं और हमको भी पूरा सिस्टम मालूम नहीं है, तब तक एक हफ़्ता दो हफ़्ते के बाद तो इसके पूरी चीज़ें जो है ना पूरा सिस्टम मालूम हो जाएगा। चलो कुछ भी हुआ तो हुआ, वही अपडेट देंगे। तो माशाल्लाह गाड़ी बहुत प्यारी है, ड्राइव करने में भी, अभी मैं थोड़ी सी ड्राइव करूँगा दिखाऊँगा आपको, ठीक हो गया। और क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो है ना आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। चलें तो जनाब अभी थोड़ा ड्राइव करते हैं इसको और वीडियो को करते हैं एंड। आपका टाइम काफ़ी ले लिया और ये हमने बेल्ट डाला और अभी यहाँ से आप इसको ड्राइव में डाल दिया और अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं इसको। वाह क्या स्मूथ गाड़ी है, वाह ज़बरदस्त। तो गाड़ी चलाने में तो मस्त है, ज़बरदस्त। हाँ जी, तो जनाब अभी चाहूँगा इजाज़त आपसे, तो मिलते हैं जल्द आजाद इसकी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम और बाय बाय, टाटा।